मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को अंग्रेजी के साथ ही सिखाई जाएंगी और भी भाषाएं। भोपाल में पर्यटन विभाग के चौथे ऑफिशियल एड वीडियो लॉन्च के मौके पर मुख्यमंत्री ने कही बात, दतिया गैंगरेप की घटना से लिया सबक। रायसेन जिले में सुल्तानपुर को बनाया जाएगा अब तहसील, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में भेल को एम कुमार्स कंपनी ने लगाया 100 करोड़ का चूना, बिना पेमेंट किए महेश्वर परियोजना के लिए बनवाए उपकरण, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का करार भी हो चुका है रद्द। इंदौर में कांग्रेस नेता सरवन खान के बेटे की दबंग गई, गाड़ी खड़ी करने की बात पर ऑटो चालक की कर दी धुनाई। और होली के जश्न में डूबा देश, भोपाल से लेकर रायपुर और जयपुर से लेकर ग्वालियर तक रंगों में सराबोर हुए लोग। जी हाँ, होली, ये सुनते ही मन पर मानो इंद्रधनुष के सातों रंग छा जाते हैं। मन चटकीले चंचल रंगों में गोते खाने लगता है, कोई लाल रंग का नजर आता है तो कोई हरा। ये रंग होता ही है खुशियों का रंग, प्रेम का, कहीं भक्त का भगवान से प्रेम तो कहीं दोस्तों यारों का प्रेम। हंसी ठिठोली छेड़छाड़ सभी रंगों से जिंदगी सज जाती है, जिसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, बस प्यार ही प्यार। कई अंदाज में होता है इस खुशी का इजहार। हुरियारों की टोली फागगा मस्त कर देती है तो इस मस्ती में पैर भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाते। रोक तो आप अपने मन को भी नहीं पाते। अब जब लजीज पकवान और मिठाइयों की मिठास हो तो भला ऐसा तो होगा ही। तो चलिए आज इस खास कार्यक्रम में हम और आप मिलकर रंग और मिठास भरते हैं। मौसम में होली का खुमार देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि होली आ गई है। लेकिन इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि हम होली क्यों मनाते हैं, क्या है होली का धार्मिक महत्व और क्यों मनाई जाती है होली। जी हाँ, हर त्यौहार की तरह होली का भी अपना धार्मिक महत्व है। हम इस त्यौहार को इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। होली यानी रंग गुलाल और मौज मस्ती का उत्सव, ये वो त्योहार है जो जीवन में रंगों के महत्व को बताता है और तन मन को खुशियों से भर देता है। लेकिन हर त्योहार का अपना महत्व होता है, इसी तरह होली का भी अपना महत्व है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से इस त्योहार के पीछे भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह से जुड़ी कथा को माना जाता है। होली के दिन भगवान नारायण श्री हरि ने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग होली का त्यौहार प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नरसिंह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथे अवतार हैं और सबसे रौद्र भी, जिन्हें भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह अवतार लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। हिरण्यकश्यप ने सुर नर असुर देवता के साथ साथ दिन और रात घर के अंदर और बाहर न मरने का वरदान मांग लिया। करुणा कर, मेरी कभी मृत्यु न हो ऐसा वर दीजिए। यह असंभव, जन्म लेने वाला प्राणी मरता ही और जो जी चाहे वो मांग ले। परम पिता, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि जल थला आकाश में दिन में की रात में भीतर या बाहर अस्त्र से एक शस्त्र से कीट पशु पक्षी अथवा देव दानव मानव से मेरी कभी मृत्यु न हो। प्रभु, रणभूमि में मेरा पराक्रम अजोड़ो, लोकपालगण मुझे कभी न जीत सके, लोक लोकांतर आपकी कृपा से मैं विजय कर सकूं। कश्यप पुत्र, ऐसा वर आज तक कभी किसी को नहीं मिला, तथा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर हम ये वर तुम्हें देते हैं। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार दिनों दिन बढ़ता गया। हिरण्यकश्यप खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा। सर्वत्र है वो, दिखाएगा श्री हरि को स्तंभ में।
और प्रहलाद की भक्ति से भी नाराज हो गया। हिरण्यकश्यप ने आग में न जलने वाली अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मारने का आदेश दे दिया, लेकिन आग में प्रहलाद को लेकर बैठी होलिका पर प्रहलाद की भक्ति भारी पड़ी। उसके बाद हिरण्यकश्यप खुद ही प्रहलाद को मारने लगा। प्रहलाद की विनती पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। माना जाता है कि तब से ही होली का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप ने अपने आप को अमर समझकर आतंक मचाया। ऐसे हाल में भक्त प्रहलाद की विनय पर भगवान नारायण ने आधे नर और आधे सिंह यानी नरसिंह का वेश धारण करके हिरण्यकश्यप का देहरी पर संध्या के समय अपने नाखूनों से अपनी जंघाओं पर रख के वध किया। तो होली की धूम हर ओर देखने को मिल रही है। लोगों में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। होली को लेकर बाजार सज गए हैं। गुलाल रंग और पिचकारियों से बाजार गुलजार हो गए हैं। अरे चुड़ैलो कहाँ भागी जा रही तो बाजारों की रौनक आप देख रहे हैं। होली आई रे और होली के आते ही बाजार रंग बिरंगे रंगों से सज जाते हैं। पिचकारी गुलाल रंग बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं और लोग खूब जमकर खरीदारी करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ शुरू होता ये त्यौहार खुशियों का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और आज के दिन सब एक बराबर एक रंग नजर आते हैं। तो बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। रंग बिरंगे गुलाल पिचकारी बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं और जमकर खरीदारी की जाती है। तो इंदौर से हमारे संवाददाता घनश्याम पटेल जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि होली को लेकर वहां के लोगों में कितना उत्साह है। जी, मैं इस वक्त इंदौर में एक पिचकारी और रंग की दुकान के सामने खड़ा हूं। हम यहां कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार क्या पिचकारियों की विशेषता है और वो लोग क्या खरीदारी करने वाले। आपका नाम बताओ। बॉबी। बॉबी, आज क्या खरीदा तुमने यहाँ पे? मैंने एक वाटर गन खरीदी। और कलर कौन सा लोगे? पिंक, येलो, व्हाइट, ब्लैक, गोल्डन। किसके साथ होली खेलने वाले? फ्रेंड्स के साथ और पापा मम्मी। आपका नाम बताओ। दीपशिका चौहान। आप कहाँ में पढ़ती हो? आप सेकंड क्लास। यहाँ क्या लोगे आप? पिचकारी। आप बताइए, आपका शुभ नाम बताइए। मनप्रीत। मनप्रीत जी, आप होली खेलते हैं हमेशा? जी खेलते हैं। इस बार क्या आपको नया लग रहा है होली में? क्या इस बार पिचकारियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और रंग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसे हर्बल कलर कहे जाते हैं, अच्छे कलर्स हैं। आपका शुभ नाम बताइए। अमनदीप। अमनदीप। अमनदीप जी, आप भी खेलते हैं? हाँ, खूब खेलते हैं। इस बार क्या करने वाले? इस बार हम सिर्फ गुलाल से ही खेलने वाले हैं, ना कि कलर से, क्योंकि बच्चों को दिए हिदायत की गुलाल से ही खेलो ताकि परेशानी ना हो। कलर्स के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। सावधानी क्या बरतने वाले हैं? सावधानी ये है कि बच्चों को ठीक ठीक खिलाएं, कलर से ना खिलाएं, गुलाल से खिलाएं। आपका शुभ नाम बताइए। कविता पांडे। आपकी क्या तैयारी है? सर, मेरी तैयारी इसमें ये है कि मैं तिलक होली खेलूं ताकि इससे पानी की भी बचत हो। किनके साथ खेलने वाले हैं आप? मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। सभी तिलक होली खेलते हैं या बाकी वो कलर खेलना चाहते हैं? नहीं, सभी तो तिलक होली खेलना चाहते हैं, बट और जो पर्सन है वहाँ कर लगा देते हैं, बट मेरा ये संदेश है कि तिलक होली ही खेले जिससे पानी की बचत हो।
हमने देखा कि इस बार होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि कुछ लोग कलर खरीद रहे हैं, पिचकारियां खरीद रहे हैं और कुछ लोग तिलक होली खेलना चाहते हैं। ओवर टू स्टूडियो। जी बिल्कुल घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, बच्चे भी बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं, बाजारों में मौजूद हैं और पिचकारी, गुलाल और रंग खरीद रहे हैं। लेकिन होली के साथ साथ हम फाग की बात ना करें, ये ऐसा कैसे हो सकता है? होली और फाग का पुराना नाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सदियों से होली के मौके पर फाग गाई जाती है। फाग में होली की मस्ती भी है और उसकी कहानी भी। फाग में मस्त होकर हुरियारे गाते तो हैं, पतझर में फाग सुनते ही बनता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं छतरपुर की तस्वीरें, जहां फाग की मस्ती में डूबे हुरियारे हमें एक नई दुनिया में पहुंचा रहे हैं। तो होली पर फाग सुन रहे हैं आप। फाग और होली का पुराना नाता है। हर साल होली पर लोग फाग गाते हैं और दूसरी दुनिया में ले जाते हैं हमें। एक अद्भुत एहसास होता है फाग सुनकर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सदियों से होली के मौके पर लोग फाग गाते हैं और फाग गाकर ही होली की जो परंपरा है, होली का जो त्यौहार है, वो पूरा होता है। फाग की मस्ती आप देख रहे हैं, फाग गाते हैं लोग होली के मौके पर और इस फाग में कई कहानियां भी छुपी होती हैं। फाग गाकर लोग होली की मस्ती में डूब जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सदियों से होली के मौके पर लोग फाग गाते हैं और
फाग में होली की मस्ती भी होती है और कई तरह की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। हुरियारे मस्त होकर फाग गाते हैं तो पतझड़ में फाग सुनते ही बनता है। छतरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मस्ती में सभी लोग डूबे हुए हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी रंग लगाकर फाग गा रहे हैं और रंगों के इस त्योहार को मना रहे हैं। तो यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी होली की ये मस्ती जारी है। मन पे गुलाल